मेहनत से सोई हुई किस्मत को भी जगाया जा सकता है। जीतने की कोशिश करो पर लालच नहीं, खुद पर भरोसा रखो घमंड नहीं, समय पर निशाना साधो पर इंतजार नहीं। हार और दुख जिंदगी के एक कड़वा सच हैं, इनके साथ जिंदगी जीना सीखो। मौत तो पक्की है, जब होनी होगी तब ही होगी। आंख बंद करके विश्वास करना जहर पीने जैसा है। मुकद्दर तकदीर है, जिंदगी नहीं। अनुभव सबसे बेहतरीन शिक्षक है। मनुष्य तभी तक सुखी महसूस कर सकता है जब तक उसके भाई और रिश्तेदार उससे अलग नहीं हुए हैं। सफल व्यक्ति दूसरों से खुद का आकलन नहीं करता, बल्कि दूसरे उससे अपना आकलन करते हैं। अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक है। आदमी उस चीज पे जल्दी विश्वास कर लेता है जो वो आशा करता है कि सच हो। कायर अपनी मौत से पहले कई बार मरते हैं और बहादुर सिर्फ एक बार। असंभव को संभव बनाने वाले ही वीर कहलाते हैं। आदमी खुद की मर्जी से विश्वास करते हैं कि वे क्या चाहते हैं। सीखने से अच्छा निर्माण करना है, निर्माण जीवन का सार है। कोई भी इतना बहादुर नहीं है कि वह किसी अप्रत्याशित चीज से परेशान ना हो। भविष्य के सितारों के बिगड़ने पर उन्हें वर्तमान के परिश्रम से सुधारा जा सकता है। वीर इसलिए वीर होते हैं क्योंकि उनके अंदर असंभव को भी संभव बनाने का जुनून होता है। शत्रु को मानसिक और आर्थिक इतना तोड़ दो कि वो तुम्हारे खिलाफ उठने की सोच भी ना सके। ताकत से शासन नहीं हो सकता, सफल शासन के लिए ज्ञान और विवेक की आवश्यकता होती है। एक सफल राजा को उसके देशवासियों का विश्वास पात्र होना चाहिए, इससे देश का विकास होता है। शासन सत्यता से ही करना चाहिए, पर राजनीति में कुटिलता का समावेश ही शासन को सफल बनाता है। वीरों की पूजा सारा विश्व करता है क्योंकि वो डर को जीत कर अपने मार्ग पे अडिग रहते हैं और सफल हो जाते हैं। यह जरूरी नहीं है कि व्यक्ति ताकत से ही शासन कर सकता है। सफल शासन के लिए आत्मविवेक और ज्ञान चाहिए। अपने आत्मबल और अत्यंत ऊंचे आत्मगौरव के कारण ही रोमन साम्राज्य ने सारे विश्व पे अपना विजय पताका फहराया है। इस पृथ्वी के समस्त खंडों को एक अकेला वीर भी अपने पराक्रम और विवेक से एक कर सकता है, कुछ भी बड़ा नहीं होता। झुकना मनुष्यता का स्वभाव नहीं, शिष्टता है। इसे लाचारी समझकर अवहेलना करने वाला समय के मार से खुद झुक जाता है। मनुष्य को अपने देश प्रेम और देश के विकास में कोई कमी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बिना देश के विकास के नागरिकों का भी विकास नहीं हो सकता। यह संपूर्ण विश्व मानव जाति की धरोहर है और यहाँ सुशासन और शांति ही हमारा लक्ष्य है। मैंने कुदरत और यश दोनों को संतुष्ट करने के लिए बहुत जी लिया है। अपने शौर्य के ऊपर एक व्यक्ति संपूर्ण विश्व पर राज्य कर सकता है। युद्ध में महत्व की घटनाएं तुच्छ कारणों का परिणाम है। मुझे देशद्रोह पसंद है, लेकिन देशद्रोही से नफरत है। यदि आपको कानून तोड़ना है तो सत्ता को जब्त करने के लिए करें, अन्य सभी मामलों में इसका पालन करें। मैं आया, मैंने देखा, मैंने जीता। यदि मैं असफल होता हूं तो केवल इसलिए कि
मुझ में बहुत अधिक अभिमान और महत्वाकांक्षा है। मैं मौत से डरने से ज्यादा सम्मान के नाम से प्यार करता हूं। शराब और अन्य विलासिता में दिमाग को उत्तेजित करने और युद्ध में पुरुषों को कम बहादुर बनाने की प्रवृत्ति होती है।